हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आप सबके लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। घर में ऐसे रखे लौंग तो आपके घर में धन की वर्षा होगी और महालक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा होगी। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद आप पैसों की कमी महसूस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आप पैसों को नहीं बचा पाते, तो इसके लिए आप लौंग को घर में ऐसे रखें और आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और आप पा सकते हैं महालक्ष्मी जी की कृपा, साथ में कुबेर जी की कृपा, जिससे आपके घर में पैसे की बारिश हो जाएगी और आप आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कैसे और क्या करना है। दोस्तों, आपको लौंग लेना है और साथ ही लाल कपड़ा। अब महालक्ष्मी जी और कुबेर जी को याद करते हुए घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और इस लाल कपड़े में लौंग के कुछ दाने, 2 या 4 दाने लपेटकर अपने घर के तिजोरी में रख दें। दोस्तों, याद रखें कि इस काम को करते वक्त पति अपने पत्नी को ना बताएं, ना ही पत्नी अपने पति को, यानी कि किसी को भी इस बात की भनक ना पड़े। अगर आप सच्चे मन से महालक्ष्मी और कुबेर जी को याद करके ये कपड़ा अपनी तिजोरी में रखते हैं बिना किसी को बताए, तो बस कुछ ही दिनों में आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सफल नुस्खा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बस कुछ ही दिनों में आपके घर में धन की वर्षा होगी जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि इस उपाय को करते वक्त किसी को भी भनक ना पड़े और ना ही कोई जाने। ऐसा करने से आप बस कुछ ही दिनों में पैसे की बारिश होते देखेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के बहुत सारे उपाय लेके आएंगे जिससे आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हम फिर लेके आएंगे अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान। जय माता दी।